क्या हम ये माने कि नेनवा महापंचायत से आरक्षण की शुरुआत हो सकती है आंदोलन की? इट कैन टेक एनी शेप एनी एट एनी प्लेस एट एनी टाइम. माई आइडिया इज विच आई वॉन्ट टू टेल यू टाइम एंड अगेन दैट आई वॉन्ट माई 5% माई बैकलॉग एंड क्रीमी लेयर 8 lakhs as it is in the center. जहाँ तक आंदोलन का सवाल है किसी भी टाइम किसी भी जगह से हो सकता है. सरकार को कब तक का समय दिया है सर? मैंने 20 दिन का दिया था, अब केवल 11 दिन बचे हैं. 8 तारीख इन 11 दिन में सरकार हमें हमारा हक दे दे, नहीं तो आंदोलन होगा. जनता में कितना आक्रोश है यह आपने देख लिया, जनता किस कदर आई है यह आपने देख लिया, और जनता ने किस तरह मेरा साथ दिया ये भी आपने देख लिया. अब आपकी आरक्षण को लेकर क्या आगे रणनीति क्या है? आरक्षण को लेकर जो आज हमने महापंचायत की है, अगली पंचायत में के बीच में क्या करोगे आप? जनता को जागृत करना और 5% के लिए तैयार करना है. यदि इन 11 दिनों में सरकार ने हमें आरक्षण नहीं दिया तो हम आंदोलन करेंगे. मैं आंदोलन के लिए जनता को जागृत कर रहा हूँ, गिरेगा ये नीचे और जनता तैयार है. जनता मैं मिस्टर बलवान खटाना बाढ़ के करौली से बोल रहा हूँ. यदि हमारी गुर्जर समाज का 5% जो आरक्षण है इसको सरकार गवर्नमेंट जो अशोक गहलोत सरकार स्टेट और दिल्ली में मोदी सरकार है जब स्वर्णों को 10% 10 दिन के अंदर कर देती है क्लियर 10% आरक्षण, हमारी समाज 10-11 सालों से लड़ रही है आरक्षण के लिए. आरक्षण अभी हमें कभी देती है कभी नहीं देती. अब जो आर पार की लड़ाई जो कर्नल साहब कफन बांध के आए सिर पर, तो भगवान खटाना ने कफन बांध रखा है. हम रिजर्वेशन के लिए एक समाज पूरी समाज और हमारे साथ चाहने वाले समाज एक साथ है. आज के टाइम पे कर्नल बैंसला जो आदेश देगा वो फाइनल है, उन्हीं का सजा उन्हीं का डिसीजन है. मैं ये बोल रहा हूँ सरकार सचेत हो जाए, 20 दिन के अंदर रिजर्वेशन क्लियर कर दे. आपको दोबारा से फिर से कांग्रेस लानी है अशोक गहलोत साहब और CHM तुम्हारे डिप्टी CM सचिन पायलट साहब, आपकी कचरा को जो कानों में कचरा और ग्रीस भरा हुआ उसको निकालो बाहर और गुर्जरों को आरक्षण दिला दो. नहीं दिलाया तो ऐसा आंदोलन होगा जो वर्ल्ड में नहीं हुआ आज तक. पहला आंदोलन अब फिर से स्टार्ट है. हमारी समाज एकजुट है, एकजुट हमारे युवा फ्यूचर एंड स्टूडेंट इन लाइफ मतलब इनका भविष्य, इनको सुधारना है तो हमारे समाज का कर्नल बेंसले साहब रजिस्ट्रेशन दिलाएंगे, उसके बाद सुधरेंगे. राम राम साहब. मेरी हमारी 15 साल पुरानी मांग है और हमारे 73 लोग शहीद हो चुके हैं. हमने बहुत कुछ खो दिया, अब हम इस मुद्दे से वापस नहीं आ सकते. जिस तरह स्वर्णों को 50% की बॉर्डर लाइन पार करके रिजर्वेशन दिया है, हम इस लोकतंत्र में इस देश के निवासी हैं, हम हमारी जायज मांग रखते हैं और 15 साल से रखते आए. अब हमें हर हाल में चाहिए, अब हमें इंतजार नहीं.